हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। और इसी के साथ मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। तो फ्रेंड्स, नहा ली हूँ, पूजा पाठ भी कर लिया है और आ गई हूँ अपने किचन में। तो ये देख लीजिए, रात को मैं किचन साफ़ करके गई थी। कुछ बर्तन थे जिसमें मतलब कि पानी वगैरह रह जाता है, और कुछ सामान था जो इधर को उधर रखा हुआ है, जैसे पानी रह जाता तो मैं उसको निचोड़ने के लिए रख देती हूँ, डलिए में रखती हूँ, तो और बर्तनों के अंदर पानी वो टपकता रह जाता है, इसलिए वो गंदा पानी उसके अंदर मतलब कि इकट्ठा होता रहता है, बर्तनों वाला पानी। यानी कि वैसे तो बर्तन साफ किए थे, इतना गंदा भी नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है उस जब तक ना ये पूरे डलिए के बर्तन नहीं मजेंगे, और डेली बाई डेली अगर पानी इसी तरीके से अगर मैं रख दूँ निचोड़ते हुए, तो वो सारा मतलब कि पानी इसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब कि वो पानी सूखता रहता है, कुछ इसी तरीके से इकट्ठा होता रहता है, वो गंदा पानी हो जाता है, यानी कि पानी शेड़ने लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ना क्या करती हूँ, पहले बर्तनों को निचोड़ लेती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बर्तन मांजते टाइम उनको उल्टा करके रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ सारा सामान, पहले तो मैंने शेड कर लिया है। तो बनाने जा रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो इससे ज़्यादा मतलब कि जल्दी सब्जी बनने वाली और मतलब कि फटाफट सब्जी बनने वाली मेरे को सब्जी कोई लगती नहीं है, फटाफट से बन भी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कढ़ाई में नहीं बनाना है, इसको मैं पहले बता देती हूँ, मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर के अंदर। तो उसका रीज़न भी आपको पता है, अगर शाम होती तो मैं कढ़ाई में सब्जी बनाती, वरना अभी सुबह है, सुबह तो मतलब कि आपको पता है जल्दी रहता है मुझे काम करना। तो अभी आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो फटाफट से ना लंच बॉक्स ना तैयार करना है, बच्चे के लिए चाय आई हुई मैंने बना ली है, और चाय मैंने उसको पिला भी दिए, मतलब उनको उठा उठा कर पिलाना पड़ता है, नहीं तो मेरे को दिन हो जाता है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो जाता है कि मैं चाय उसको बार बार गर्म करना पड़ता है मुझे। तो जैसे ना मैंने चाय बनाई है, तो जब मैं पीती हूँ तो एक ही बार में मतलब कि उसको भी बोल देती हूँ कि तुम भी अपनी चाय पी लो। बट होता क्या है कि बच्चे हैं, अगर मोबाइल देख रहे हैं तो उसी में लगे, स्टोरी सुन रहे हैं तो उसी में लग गए, गेम खेल रहे हैं तो उसी में लग गए, तो उनको कहना पड़ता है कि पहले चाय पी लो, फिर ना अपना गेम खेलना या पढ़ना कुछ भी, तो फिर ना मैं ऐसा ही करती हूँ, नहीं तो मेरे को ये चाय या तो फिर पैक ही पड़ जाती है, ज़्यादा भी ठंडी हो जाती है टेम्परेचर पर, तो फिर ये फैन ही पड़ जाती है। अगर ये बनी है तो मैं उसको गर्म करके दे देती हूँ। लहसुन कूट रही हूँ मैं, तो लहसुन मेरा छिला हुआ रखा था पहले का ही, तो प्याज मैं लेकर आई थी, प्याज मैंने इसको छील कर मैं पहले ना डाल देती हूँ। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर के अंदर, तो फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है बहुत कभी कभार कि जैसे मैं लेट हो रही हूँ ना, तो मैं यही काम करती हूँ, सबसे जल्दी बन जाती है। जैसे अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया या फिर कोई सब्जी नहीं है, तो अगर आलू रखे हुए तो आलू टमाटर बना लेती हूँ, अगर सब्जी नहीं हुई तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। पत्ता गोभी है मेरे पास, पर ना उसके ना बोल रहे थे बच्चे के मोमोज बनाना, तो मैं उसके मोमोज ही बनाऊँगी, और मोमोज के लिए ही मैंने उसको रखा हुआ है। तो इधर सब्जी को मैंने तड़का दे दिया है, बेटा भी एक बार ना उजक कर चला गया है देख कर के बन क्या रहा है सब्जी में। तो इधर मैं आटा छान रही थी, और वो और मतलब कि पूछ कर गया है कान में आकर कि बना क्या रही हो, तो मैंने बोला इसको मैंने आलू टमाटर बनाए हैं, तो मतलब कि सुनकर भाग गया है, क्योंकि उनको नहीं अच्छे लगते हैं टमाटर खाने में। तो इधर मैं गर्म पानी लेकर आई हूँ, थोड़ा सा मैं ठंडा पानी इसके अंदर मिक्स कर लिया, अब मेरे को गूंथ लेना है आटा, आटा लगाऊंगी मैं। तो काम करते करते मुझे बहुत जल्दबाजी हो जाती है, तो ये विसल्स आ गई है प्रेशर कुकर में, तो लगभग ना 2 से 3 ना विसल्स आने दूंगी मैं, इतने में ही बन जाएगी। इधर मैं आवाज़ दे रही थी कि मैं रोटी बना रही हूँ, जिसको भी खानी हो तो वही खा लो, क्योंकि सब्जी थी जो बन चुकी है, सब्जी को भी निकाल के मैं एक टिफ़िन में कर दूँगी, बट ना पहले मैं रोटियाँ बेल लेती हूँ,
बट ना कोई आ नहीं रहा है खाने के लिए। तो रोटियां इधर मैंने बना दी हैं, इसको मैंने बोला है तो ये रोटी तो लेकर गया है बट ना पानी लेने के लिए आया था, तो एक ग्लास लेकर गया है पानी के लिए। तो मैं इसको डांट रही थी, मैंने की चाय ख़त्म करी है ये छोड़ दी है। तो ऐसा ही करते हैं, कभी कभार छोड़ देते हैं कुछ खाना पीना। तो इसको मैं कटोरी में कर लेती हूँ। तो इधर मैं लंच बॉक्स ना पैक कर देती हूँ, बट इसकी डिब्बी नहीं मिल रही थी तो मैंने आवाज़ दी है तो बेटा लेकर आ गया है, क्योंकि उसके बैग में रखी हुई थी ये, मतलब ना इसने ना कल छोड़ ली थी ऐसी, इसमें नमकीन लेकर गया था। तो डिब्बी को मैंने धो लिया है, धोने के बाद फिर मैं लेकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये नमकीन की थी कल वाली डिब्बी, बैग में से निकाल कर लेकर आया और ये रख दिया था यहाँ पर। तुल के लाके मैंने इसके अंदर सब्जी पैक कर दी है मैंने, और आवाज़ दे रही हूँ अपना लंच बॉक्स ले जा, बट ना लंच बॉक्स ना ले जाते इसको पता नहीं क्या सोचा कि इसने मतलब कि मेरे चरण स्पर्श कर लिए, बट अभी जा नहीं रहा है, इसको टाइम है जाने में। तो मैंने बोला कि ना इतनी जल्दी, तो कहता मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं अभी मतलब कि आपके ना पैर छू रहा हूँ और मेरे को स्कूल जाना है, मैं रोज़ भूल जाता हूँ, कभी कभार याद आ जाती है तो छू लेता है। जैसे ही अभी मैंने टिफ़िन दिया, इसको याद आ गया तो वो मतलब कि छू कर चला गया पैर। फिर मैं इसे इधर बातें करती रही, ये भी मतलब कि पता नहीं क्या बोलने में लगा पड़ा था। तो चलिए लंच वंच वाला तो काम अपना हो गया है, लंच पैक कर दिया है मैंने। इस पे ना सब्जी अब्जी ढुल जाती है, फैल जाती है, तो मतलब ना जैसे ये चिकनी हो जाती है तो उसको रगड़ के थोड़ा साफ करना पड़ता है ताकि इसकी चिकनाहट वगैरह हट जाए। तो फ्रेंड्स ना जब भी मैं काम करती हूँ ना थोड़ा बहुत मैं गुनगुना लेती हूँ, तो ये दीवार वगैरह साफ कर देती हूँ, क्योंकि कल मैंने ये सामने वाली कर दी थी जो गैस के सामने की दीवार है वो कर दी थी, बट ये नहीं कर पाई थी। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा कपड़ा फिरा देती हूँ ताकि इसके भी जो मतलब कि गंदी होती है, दाग धब्बे लग जाते हैं, वो भी छूट जाए। तो उन सभी फ्रेंड्स से मैं बोलना चाहती हूँ, जिस किसी ने अभी तक ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो ये मशीन आप देख रहे हैं, अभी लाइट नहीं है पर नासी के अंदर डली हुई है। तो हस्बैंड को जाना है अभी, तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, मांग रहे थे, पता नहीं, शायद मुझे ना ध्यान नहीं है, शायद सॉक्स मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं पता है, कुछ मांगा था उन्होंने तो मैंने बता दिया, इस जगह पे ढूंढ लो रख दिया है मैंने। तो इसीलिए मैं हमेशा सॉक्स में क्या करती हूँ, गांठ लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये ना अगर एक भी खो जाता है ना तो दूसरा मतलब कि उसी के साथ रहता है। अभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग रखे हैं, ऐसे ही रख दिए तो मतलब खो जाता है, मैं हमेशा उसके अंदर गांठ लगा के रखती हूँ, क्योंकि एक के साथ दूसरा तो रहेगा, जॉइंट करके रख दूँगी तो प्रॉब्लम नहीं रहती। नहीं तो ये रोज़ खोते हैं, कहीं स्कूल वाले हैं, कहीं घर के हैं, कहीं घूमने फिरने वाले हैं, कहीं कुछ बच्चों के, उनके तो बच्चों के, तो इसी तरीके से। तो ये लीजिए पोंछा कर लिया है, अभी एक बार पहले मैं नॉर्मल तरीके से हाथ ऐसे धो लेती हूँ, क्योंकि अभी बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, तो मैं पहले ये कपड़े डाल आती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, ये मतलब कि सूखने ज़रूरी हैं। तो धूप तो बहुत निकल रही है बट ना हवा बहुत ठंडी चल रही है अभी, आप देखिए धूप बहुत अच्छी निकली है पर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ये कपड़े ना मुश्किल ही रुकेंगे, आज उड़ रहे हैं ये, उड़ के कहीं भी जा सकते हैं ये। तो इसको मैं एक बार दाब देती हूँ इससे, क्योंकि ये हल्के कपड़े हैं, छोटे मोटे ये उड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको दाबना सही समझा, बेहतर समझा, ताकि ये उड़े नहीं। तो साड़ी इस तरफ डाल देती हूँ, तो इधर पड़ोसन में से बातें करने लगी थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी, फिर मैं आ गई हूँ नीचे उनसे बात करने के बाद, फिर मुझे धुलने हैं मुझे इधर बर्तन। तो हस्बैंड मतलब हो गए हैं तैयार, और उनको सॉक्स मिल गए हैं, अपने जूते वूते पहन लिए हैं, अब वो जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और अपने काम से। तो इधर ना इन्होंने खाना खाया था, किसी ने सब्जी छोड़ दी है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, तो ये सारा मैं एक बार ना इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ, इसमें मतलब चाय पत्ती वगैरह भी है, तो ये सारा मैं एक बार डब्बे में डाल आती हूँ। तो ये लीजिए, और उसको मैं उस डब्बे में डाल आई हूँ, जो भी मतलब कि जो खाना खा लिया है तो वो खा लिया है, और जो नहीं खाना था तो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो मैं हमेशा ना उसको यूं ही नाली में नहीं बहाती, क्योंकि फ्रेंड्स नाली में बहाना भी नहीं चाहिए, इस तरीके से तो अन्न का अपमान भी होता है, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है कि कभी कभार, जैसे मैं हूँ तो कभी कभार ऐसा मतलब कि हो जाता है, कभी कभार कितना भी मतलब खाओ तो थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता है, बट यूँ नहीं कि उसको फेंक दूँ, या फिर ना जैसे रोटी बच गई हो, आधी एक बच गई हो, तो उसको मैं डॉगी को दे देती हूँ ना, और जो सब्जी वगैरह बच जाती है तो मैं इस डब्बे के अंदर इकट्ठा कर देती हूँ, जो भैंस होती है जिसको मतलब खाना खिलाते हैं वो वाले पॉट में, सानी चारा जो होते हैं ना उस वाले पॉट के अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि मतलब जानवर को भी खाना मिल जाता है, और अपना जो खाना है वो नाली वगैरह में नहीं जाता है, नहीं तो रोटी के टुकड़े वगैरह बच जाते हैं, अन्न का ही अनादर अपमान होता है ना, तो इसलिए मैं कभी भी इसको ज़मीन में नहीं फेंकती हूँ, और हमेशा ना इसी डब्बे के अंदर बचा हुआ खाना डाल देती हूँ,
जिससे कि जानवर का पेट में पड़ जाए बट पैरों में ना आए, ना ही नाली में जाए। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं और अब ये पानी वानी इधर का झाड़ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये इधर साबुन सरफ वाला जो ये सब्जी अब्जी कितना भी अपने मांज लेते हैं ना बर्तन, तो थोड़ा बहुत इधर गंदा पानी रह जाता है और जो बर्तनों में से निकलता है ना गंदा ऑयल वगैरह, ये सारा सारा पानी इधर से मैं झाड़ दिया है। मैंने भगोने के अंदर पानी था वही वाला मैंने इधर डाल दिया था ताकि ये बिल्कुल बाथरूम साफ हो जाए। तो इधर झाड़ू वाड़ू लग गई है और अब मैं आ जाती हूँ अपने हाथों को वॉश करके किचन के अंदर, क्योंकि मुझे अब रखने हैं ये जो मैंने बर्तन मांजे थे वो मैंने एक भी ऐसी रख दिए ताकि वो नचोड़ जाएं। तो ये इनका पानी नचोड़ गया है, अब मैं इसको सेट कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की ब्लॉग वीडियो की यहीं करती हूँ एंडिंग, फिर से मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग वीडियो के अंदर। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलूंगी कल फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, बाय बाय।